की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में चमोली की खबर, जहां पर मलारी नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। लाता से पास में पहाड़ी से मलबा आया है, पत्थर आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने का काम में लगी हुई है। बारिश में लाता के पास बार बार भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को यातायात में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है। नंदप्रयाग के पास में ये नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जहां पहाड़ी से पत्थर आने की वजह से, मलबा आने की वजह से, बारिश के बार बार होने की वजह से हाईवे को बंद होना पड़ गया है। बार बार हाईवे खोला जाता है, लेकिन बार बार बारिश आने के चलते भारी भारी बोल्डर पत्थर सड़क पर आ जाते हैं। सड़क को तो नुकसान होता ही है, साथ में आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें बहुत होती हैं। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, मौसम विभाग ने 13 और 14 तारीख के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली की अपडेट आप हमारे दर्शकों को दीजिए। लगातार जो हाईवे हैं वो खोले जाते हैं ताकि यहां से गाड़ियों की आवाजाही हो सके, लेकिन पहाड़ी से बार बार पत्थर बोल्डर आने की वजह से यातायात अब भी प्रभावित हो रखा है। दे अपडेट्स जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से नंदप्रयाग के पास बाधित हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता के पास एक बार फिर से बाधित हो गया है। तो जो लगातार बारिश कल देर रात से हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब से सड़कों पर मलबा गिरने का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। हालांकि दोनों ही जगहों पर मशीनों को भेज दिया गया है और मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा गिर रहा है, जिससे जो मशीनें हैं वहां पे ढंग से काम भी नहीं कर पा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। उधर कुमाऊं में बारिश के रेड अलर्ट के बीच में रोड के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के कारण टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बारकोट के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आने के चलते बंद हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन बार बार कई टन मलबा नीचे आ जा रहा है बारिश की वजह से। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, साफ समझा जा सकता है इस खबर को कि किस तरह से रोड साफ है लेकिन पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबा बोल्डर पत्थर जो हैं वो सड़क पर आ जा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है। अब इस रास्ते से ही गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन कैसे होगी आवाजाही क्योंकि सारा मलबा सड़क पर इस समय आ रखा है। लगातार प्रशासन की तरफ से सड़क को खोलने का, साफ करने का काम किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड में बारिश से राहत अभी भी मिलने के आसार नहीं है। आपको बता देते हैं कि आज और कल के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून है इसमें, बागेश्वर है इसमें, चंपावत के साथ साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शासन ने 7 जिलों के DM को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी 14 तारीख को भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के रेड अलर्ट के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। चमोली, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में DM के आदेश के बाद स्कूलों को आज बंद रखा जाएगा। उत्तराखंड में जाते जाते भी मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आज और कल के लिए उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार के साथ साथ कुमाऊं के उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिला शामिल है, जिनके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। और इस चेतावनी के मद्देनजर इन 7 जिलों में आज स्कूलों को बंद रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मौसम विज्ञान केंद्र का भवन है, जिस पर ये बोर्ड लगातार मौसम का अपडेट आपको बता रहा है। और ठीक इसी के पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पीछे का नजारा दिखाएं कि किस तरह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। इसके ठीक पीछे ये टिहरी और देहरादून का जो बॉर्डर एरिया है, उसकी पहाड़ियां हैं, मालदेवता का ये क्षेत्र है जो लगातार आपदा ग्रस्त रहा है। अभी भी यहां पर घने बादल आपको नजर आ सकते हैं। पूरे पहाड़ में, पहाड़ से लेकर मैदान तक
बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में भी कल रात से ही यहां पर बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में और खासकर जब रेड अलर्ट घोषित हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आफत का ये संकेत होता है। इस पूरे मॉनसून सीजन में 15 जून से अभी तक उत्तराखंड में मॉनसूनी बारिश के कारण, इस आपदा के कारण 72 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 22 लोग आज भी मिसिंग हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक आवासीय भवनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तो उत्तराखंड में जब जब भी आसमान से, हम कह सकते हैं कि मॉनसून सीजन में आसमान से बारिश बरसती है, वो जमीन पर लोगों के लिए एक बड़ी आफत साबित होती है। और यही कारण है कि राज्य सरकार द्वारा जिन 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषित किया है, इन 7 जिलों के लिए एडवाइजरी घोषित की गई है कि यहाँ पर लोग अलर्ट मोड पर रहें। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। और ये बढ़ते आगे चमोली से एक और खबर, जहां पर आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह पर बरसाती नाले उफान पर आ रखे हैं। इसके साथ ही आपको अपडेट दे देते हैं कि भूस्खलन होने से ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हो रखी हैं, जिन्हें पहले खोला गया था, अब बारिश के चलते एक बार फिर से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चमोली में स्कूल भी बंद है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चमोली में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं सरकारी से लेकर निजी विद्यालयों की छुट्टी तक करनी पड़ी। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है, बादल लगातार छाए हुए हैं और जो अब ऊपरी इलाके हैं, चाहे वो हेमकुंड साहिब की चोटियाँ हैं या बद्रीनाथ धाम की चोटियाँ हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है कि हल्की बर्फबारी भी होनी शुरू हो गई है। और बर्फबारी के बाद जिस तरीके से लगातार जो ठंड है वो भी बढ़ने लगी है, आप देखिए पहाड़ों में पूरे बादल इस समय छाए हुए हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है। अगले अगर 24 से 36 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके से मौसम के रहने की उम्मीद है और मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो ऐसे में अगले 24 से 36 घंटे पहाड़ वासियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। नितिन सिंहवाल, न्यूज 18 चमोली। और आइए बढ़ते हैं आगे चमोली की बात, कुमाऊं की जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर के मैदानी जिलों से लेकर सभी पहाड़ी जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का असर लोगों के रूटीन पर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं के कई जिलों के स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी भी इस पर जानकारी दे रहे थे, कुमाऊं में मौसम का क्या हाल है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तस्वीरों के साथ साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी की ये रिपोर्ट भी देखिए। गुरुवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि कुमाऊं के सभी जिलों में जबरदस्त बारिश होगी, जिसके कारण इन जिलों को रेड जोन में रखा गया था और सुबह से ही कुमाऊं के इन सभी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस समय मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी से देखिए ये शिवालिक रेंज की सुंदर पहाड़ियां आम दिनों में बेहद हरी भरी दिखाई देती हैं, लेकिन आज देखिए आसमान बिल्कुल घने बादलों से पटा पड़ा है और ये जो पहाड़ियां हैं इनके ऊपर भी चादर एक बादलों की लिपटी पड़ी है, जिसके कारण ये पहाड़ियां साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पहाड़ में किस तरीके का मौसम गुरुवार सुबह से ही बना हुआ है, इसलिए अगर आप भी नदी नालों के किनारे रहते हैं और आपको अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पर सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो मौसम विभाग के लगातार अलर्ट मिल रहे हैं उससे यह साफ है कि अगले 3 घंटे में कुमाऊं के इन जिलों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। तो पहाड़ में मॉनसून की बारिश के बीच में केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई है। अक्सर देखिए सितंबर के महीने में केदारनाथ में बर्फ कम ही दिखाई देती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। मौसम के बदलाव के साथ साथ केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। अभी तो सितंबर का महीना शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि सितंबर महीने के अंत तक बर्फबारी यहां पर काफी ज्यादा हो रखी होगी। बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड काफी बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर हादसा हो गया है। बांसवाड़ा के पास में गहरी खाई में मैक्स गाड़ी गिर गई है। सड़क हादसे में 7 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें अगस्त मुनि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। सोनप्रयाग में बाजार से आगे हाईवे के किनारे अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने
ध्वस्त किया है। बुलडोजर से अवैध बनी दुकानों को तोड़ा गया है। लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। तस्वीरें आपके सामने। और आइए बढ़ते हैं आगे। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश बोरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप जान लीजिए कि पुलिस अब फरार बोरा के घर ढोल नगाड़े लेकर पहुंची है। माइक के जरिए जोर जोर से उसके फरार होने का ऐलान किया गया है। बोरा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट के साथ उसके घर पर कुर्की के आदेश दिए जा चुके हैं। पुलिस ओखल कांडा में नौमूद मौजूद उसके पैतृक घर और हल्द्वानी में मौजूद उनके किराए के मकान में पहुंची है और बोरा के फरार होने की मुनादी की गई है। मुकेश बोरा पर एक महिला कर्मचारी को और एक बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। 11 दिन पहले लालकुआं थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसीलिए कुर्की के आदेश दिए गए हैं। प्रोक्लेमेशन होता है 82 में और इसमें चस्पा किया जाता है, बताया जाता है, उद्घोषणा होती है और 83 की कार्रवाई में जो घर का जो भी सामान है वो सारी चीजें जब्त करी जाती है। देहरादून से खबर है अगली, जहां पर श्रीनगर के नारकोटा में आर्क ब्रिज टूटने के मामले में एक्शन हुआ है। ये आर्क ब्रिज जो टूटा है इस पर PWD के 2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। इंजीनियर तनुज काम्बोज सस्पेंड किए गए हैं, साथ ही बेजरो में तैनात इंजीनियर विवेका प्रसाद भी सस्पेंड किए गए हैं। विवेका प्रसाद पर सड़क निर्माण काम में लापरवाही का आरोप है। देहरादून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस पर अपडेट आप ये ले लीजिए कि पल्टन बाजार, धामवाला, गांधी रोड, तहसील चौक पर बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस आज तीसरे दिन भी जारी रखे हुए है। पुलिस ने वेरिफिकेशन के दौरान 2 दिनों में 200 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद कई जगहों से रेड़ी और पटरी वाले गायब नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी आप ले लीजिए उनके दौरे की कि मुख्यमंत्री धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। सीएम धामी आज सुबह 11 बजे सांबा बस स्टैंड पर रोड शो करेंगे। 12:30 बजे नानकचक सांबा में सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे हैं, जहां वो विजयपुर सांबा सीट पर पार्टी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलातिया के समर्थन में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और उनके नामांकन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सुरजीत सिंह सलातिया जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिन भर जम्मू कश्मीर में उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और फिर देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली लौट सकते हैं। हालांकि उनका दिल्ली लौटने का अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली लौट सकते हैं और कल दिल्ली में वो केंद्रीय बीजेपी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से, मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में अभी 2 और दौरे आने वाले समय में मुख्यमंत्री के लगने वाले हैं और खासकर पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, धर्मांतरण कानून हो या नकल विरोधी जो कानून है, उनका जो उत्तराखंड में यहां पर जो कानून पास किए गए उसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ग्राफ है वो काफी बड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री की बड़ी डिमांड अलग अलग राज्यों से रही है। करीब 200 से अधिक जनसभाएं मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में की थी और अब जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी की डिमांड इन प्रदेशों में भी होने लगी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो आने वाले दिनों में भी 2 और दौरे मुख्यमंत्री के जम्मू कश्मीर के लगने वाले हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। सीएम धामी ने कहा है कि राहुल हमेशा देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम धामी ने कहा कि राहुल की भाषा खालिस्तानी है। जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं, देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं ना कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू है उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज अल्मोड़ा में जिले भर के अधिकारियों की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जानी है। टम्टा ने कहा है कि मैदान से पहाड़ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे को 2 लेन किया जाएगा, जिससे पहाड़ आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कैंची धाम के पास भी बाईपास से टनल बनाई जाएगी, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। नैनीताल से काठगोदाम इसको भी हम 2 लेन करेंगे। ज्योलीकोट भवाली कैची मंदिर का बाईपास बनाते हुए और उसमें दूसरा प्रोजेक्ट हमारे DPR बन रही है, उसमें हम टनल भी दे सकते हैं। तो ये दोनों को कॉन्सेप्ट करते हुए हम अल्मोड़ा तक 2 लेन करेंगे, अल्मोड़ा से रानीखेत 2 लेन करेंगे, रानीखेत से चकोटिया दौराहाट होते हुए कर्णप्रयाग, 4 धाम गढ़वाल के साथ केदारखंड और मानसखंड को दोनों को 2 लेन से जोड़ दिया जाएगा।